risk, take the gamble, take the first step. विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। वो विश्वास ही है जिसकी वजह से एलोन मस्क दुनिया के सबसे क्रांतिकारी आदमी बने। वो विश्वास ही है जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान बने। वो विश्वास ही है जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन सदी के महानायक बने। मैंने अक्सर अपनी जिंदगी में देखा है कि जो लोग रिस्क नहीं उठाते वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। नेल्सन मंडेला खुद ये कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी रिस्क नहीं उठाते हो तो ऐसी जिंदगी में कोई पैशन नहीं होता, जबकि आपको पता है कि आप इससे बेहतर जिंदगी जी सकते हो। फर्क है सिर्फ रिस्क उठाने का, और रिस्क वही उठाते हैं जिनको अपने आप पे विश्वास होता है। और विश्वास ही वो चीज है जिसकी वजह से लोग पत्थर की मूर्ति को भगवान समझ के पूजते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब विश्वास आपकी जिंदगी में कैसे परिवर्तन ला सकता है, इसको एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक व्यक्ति बड़ा बीमार था, क्योंकि उसे टीबी था। बीमारी ज्यादा बढ़ने की वजह से वो अपने गांव के ही वैद्य के घर पे पहुंचा। अब जैसे ही वो वैद्य के घर गया, उसको पता लगा कि वैद्य जी घर पे नहीं है, वो खेत में काम कर रहे हैं, तो वो खेत पहुंच गया। अब खेत में जाके उसने वैद्य जी को सारी बात बताई कि उसे क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है। वैद्य जी ने सारी बीमारी जानने के बाद उसे दवाई लिख के देने की कोशिश करी, लेकिन खेत में ना पेपर था ना पेन, तो उन्होंने पास में ही रखी एक लाल ईंट को उठाया और उसके पास में कोयला पड़ा था, तो कोयले को उठा के और लाल ईंट को उठा के उस कोयले से लाल ईंट पे कुछ लिखा, उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि ये ले लेना और इसे रोज पानी में घोल घोल के पीना। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो व्यक्ति अनपढ़ था, वो वैद्य जी की बात को ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन वो उस ईंट को लेके घर चला गया और 3 महीने बाद वापस लौट के वैद्य जी के पास आया और कहता है कि वैद्य जी, आपके द्वारा दी गई दवाई से मैं आधा तो ठीक हो चुका हूं, अगर आप मुझे वो दवाई दोबारा दे दें तो शायद मैं पूरा ठीक हो जाऊं। तो वैद्य जी ने कहा, मैंने तुम्हें दिया तो था। तो वो व्यक्ति क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। वो व्यक्ति ये कहता है कि ईंटें तो हमारे घर पे भी पड़ी हैं, लेकिन उस ईंट पे जो आपने मंत्र फूंक के दिया था, अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो वैद्य जी हैरान रह गए। उन्होंने पूरी बात पूछी तो पता लगा कि वो व्यक्ति पिछले 3 महीने से उस ईंट को पानी में घोल घोल के पी रहा है, लेकिन फिर भी वैद्य जी ने उसको कुछ नहीं कहा, सच्चाई बताई नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसे उस इलाज में विश्वास था और वो ठीक हो रहा था। वैद्य जी ने फिर से ईंट ली और फिर से उस ईंट पे कोयले से दवाई लिख के उसे दे दी और वो बंदा पूरी तरह से ठीक हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे बच्चों वाली कहानी है, नहीं, लेकिन यहाँ पर समझने और सीखने लायक बहुत सारी चीजें। यहाँ सीखने लायक बात यह है कि दवाई लेने के साथ साथ आपको इस चीज पे भी विश्वास होना चाहिए कि इस दवाई को लेने के बाद मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा, तभी आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे। और ये चीज आपकी जिंदगी पे भी लागू होती है। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है और अपने आइडिया पे विश्वास है और अगर आप रिस्क उठाना जानते हैं तो एक ना एक दिन आप सफल जरूर हो जाओगे। बस अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, उसे बनाए रखना।